वेलगुरु, जब से अपने प्रभास भाई की बाहुबली 2 मूवी रिलीज हुई है, तब से उनकी हर अपकमिंग मूवी को उसी फिल्म के साथ में कंपेयर किया जाता है। और कंपेयर किए जाने का मेन रीजन ये है क्योंकि बाहुबली प्रभास ने उस फिल्म से जो बेंचमार्क सेट किया है वो बहुत ही बड़ा है। उस बेंचमार्क तक तो खुद प्रभास भाई भी नहीं पहुंच रहे, तो भाई किसी और एक्टर का पहुंचना तो वहां पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब चाहे आदि पुरुष हो, सलार हो या फिर प्रोजेक्ट के हो, उनकी हर आने वाली फिल्म को बाहुबली 2 के कलेक्शन से ही कंपेयर किया जाएगा, जो कि टारगेट है 1030 करोड़। वेल, सलार एंड प्रोजेक्ट के में तो बहुत लंबा टाइम है, अभी फिलहाल हम बात करते हैं आदि पुरुष के बारे में। जब से इस मूवी का टीजर आया, ये मूवी बहुत ही ज्यादा ट्रोल हो रही है। टीजर इसका बहुत ही ज्यादा क्रैप था। सबसे ज्यादा इसके अंदर वीक पॉइंट था प्रभास का ही लुक, एंड उसका जो विजुअल इफेक्ट्स है उनका पूरा 3D मॉडल ऐसा लग रहा है कि कार्टूनिस्ट मूवी बना दी है। ऐसा लग रहा था कि 550 से 600 करोड़ के बजट में एक एनिमेटेड कंटेंट हमें थाली के अंदर परोस के दे दिया गया हो। उसमें भी मेकर्स का कहना यह था कि भाई देखना है तो यही देखो, हम इसको चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जब जनता को गुस्सा आता है ना, तो भाई अच्छे अच्छे खिलाड़ी अपनी लाइन पर आ जाते हैं। उसी तरह मेकर्स ने डिसाइड किया कि भाई इसके अंदर जो सैफ अली खान का लुक है एंड प्रभास का लुक है एंड जो हनुमान जी का लुक है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, एंड इसके जो विजुअल इफेक्ट्स है उनको बहुत ही ज्यादा बेटर करने की कोशिश करेंगे। एंड टीजर के काफी लंबे टाइम के बाद में ट्रेलर आता है। ट्रेलर टीजर के कंपैरिजन में काफी हद तक बहुत ज्यादा ठीक था, लेकिन उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं था जितना ज्यादा होना चाहिए था, बिकॉज ये 700 करोड़ के बजट की मूवी है। वैसे तो ट्रेलर के अंदर भी काफी ज्यादा कमियां थी, लेकिन उसकी जो एडिटिंग की गई है, उसकी ट्रिमिंग की गई है, उसके लिए ओम राउत की तारीफ तो डेफिनेटली करनी बनती है, बिकॉज उस बंदे ने बहुत सारी कमियां छिपाई ट्रिमिंग करके। देन ट्रेलर के बाद में रिलीज होते हैं इसके सॉन्ग्स। अब आदि पुरुष के अंदर हजारों बुराइयां होंगी, लेकिन इसके गाने इसकी बुराइयां बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इसके गाने बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड प्यारे लग रहे हैं। अभी जो इसका लेटेस्ट सॉन्ग रिलीज हुआ है राम सिया राम, उसकी वीडियो में तो काट ही नहीं है भाई, लेकिन ऑडियो में और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई। मैं एक बार नहीं बल्कि 8-10 बार सुन के आ रहा हूँ अभी, और जो उसका वीडियो सॉन्ग है राम सिया राम का भाई, 1 घंटे का लूप बना के कंटिन्यू देख सकता हूँ मैं इसको। अब देखो यार, अपार्ट ऑफ वीडियो एंड लिरिक्स, इसके मेकर्स ने इस गाने के अंदर बहुत ही ज्यादा मेजर चेंजेस भी किए, जैसे कि विजुअल इफेक्ट्स में किए, CGI में किए। अब चाहे इस गाने का ओपनिंग शॉट ही देख लो, जहां पर प्रभास कृति सेनन से बात करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, एंड जो सनफ्लावर वाली लेडीज की है वो भी बहुत जबरदस्त लगती है, एंड जो सनफ्लावर के बीच में से कैमरा मूव करता हुआ जाता है आगे की तरफ, एंड जो नाइटिंग में लाइटिंग दिखाई गई है भाई, वो तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। एक्चुअली अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इसकी आने वाली हर चीज अपनी पिछली वाली चीज से बहुत ही ज्यादा बेटर होती है। टीजर से बेटर ट्रेलर था, ट्रेलर से बेटर इसका गाना था, और उस गाने से बेटर ये वाला सॉन्ग है। धीरे धीरे मेकर्स इसमें बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं एंड उसको ठीक भी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि भाई मूवी आने तक ना बहुत सारे बड़े बड़े मेजर चेंजेस हो जाएंगे, मूवी बहुत ज्यादा बेटर लगेगी। बट इसके अंदर एक कमियां फिर भी होने वाली है भाई, प्रभास का लुक वो मैच नहीं कर रहा, सैफ अली खान का लुक वो मैच नहीं कर रहा, एंड जो हनुमान जी का लुक है वो भी मैच नहीं कर रहा। और भाई इस तरह की मूवी के अंदर ना स्टोरी मैटर नहीं करती, बिकॉज पीपल ऑलरेडी न्यू अबाउट द स्टोरी। हम सभी लोगों को कन्विक्शन चाहिए, उसका बेटर प्रेजेंटेशन चाहिए, इसके अंदर जो लुक्स है वो चाहिए। और भाई इसका टीजर ट्रेलर एंड सॉन्ग देख के मुझे तो ये लग रहा है कि भाई इसके मेकर्स ने ना इसके लुक्स एंड प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, जिसके लिए उनको बहुत बड़ा भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। अब देखो यार, मूवी की रिलीज डेट तो बहुत ही ज्यादा करीब है, अब कितना ज्यादा बेटर इसको वो कर सकते हैं वो तो मूवी देखने पर ही पता लगेगा। एंड अभी की वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, एंड अभी अपन लोग इंस्टाग्राम पे भी आ चुके हैं, ट्विटर पे भी आ चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।